मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ, दिल्ली से आया हूँ। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारे क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। सर पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, आतंकवाद की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, फलाने का। मैं शिवांगी जी के बराबर में बैठा था, आप पहले उनको देखो फिर मुझे देखो। हालांकि आप ऐसे ही कर रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बगल में मलिंगा बैठा हो। देखो कितने जो मैं मलिंगा लग रहा हूँ आपको, मुझे मलिंगा सुनकर पीछे अंकल जी भी हंस रहे हैं जिनकी अपनी खोपड़ी जैसुरिया के जैसी। सर पूरी दुनिया में टेंशन है, तालियां आपके चाहिए, बीच बीच में तालियां आप बजाओगे तो आनंद आएगा। तालियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है, बल्कि चुनाव का माहौल है उस भाषा में कहूं तो वही काम करती है जो जयाप्रदा के लिए अमर सिंह करते थे। तालियां चाहिए। सर मैं दिल्ली से आया हूं, पूरी दुनिया में कितनी टेंशन हो जाए, कितनी भी टेंशन हो जाए भाई साहब, हमारा दिल्ली वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है क्या? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को खुद मुख्यमंत्री बना रखा है। अच्छा है भाई, भाई साहब हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, टेंशन ही है वो। सुबह किस बात पे नाराज हो जाए उनके बच्चों को नहीं पता। उनका 10 साल से सर एक ही काम है, एक ही काम चल रहा है 10 साल से। सुबह सुबह उठो, नहा धो के रोज एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार मुझे दे दो दिल्ली पुलिस। अच्छा 10 साल से दिल्ली पुलिस भी यही कह रही थी, अब पूर्ण हुआ है काम जाके। सर नेता क्या होता है मेरे बारे में बताया, मैं बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री कर लेता हूँ। 10-12 मिनट का समय मुझे मिला है तो 10-12 मिनट में मैं चाहूंगा देश के कुछ बड़े बड़े नेताओं को जल्दी जल्दी आपके मंच पर प्रस्तुत करें, लंबी लंबी कविताएं सुनाने, फिर कभी आ जाएंगे आपके बीच में। सर नेता वही होता है जो अपने हर काम को सही साबित कर देता है। अब हमारे केजरीवाल जी का तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो भाई साहब बात को ऐसे घुमाते हैं बड़े से बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं घुमा सकता। अभी हमारे दिल्ली के एक मंत्री थे सत्येंद्र जैन साहब, स्वास्थ्य मंत्री, उनको पकड़ के जेल में ले गए सर, जेल में तिहाड़ जेल में डाल दिया। सीबीआई जब उनसे जांच करने गई तो बोले मेरी याददाश्त चली गई, कुछ भी याद नहीं है। अब केजरीवाल जी का विज्ञापन शुरू हुआ, देख रहे नेता कैसे घुमाते हैं बात को, उनका विज्ञापन शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, साथियों मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले, उसको बेचारे को उठा के ले गए और उसकी याददाश्त चली गई, उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। अच्छा है, इसके अलावा सब कुछ भूल गया है वो। दोस्तों वो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा मंत्री है झूठ नहीं बोल सकता। मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त, मैंने खुद देखा है जाते हुए, मेरे सामने निकल के गई है ऐसे हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। मैंने कहा जी क्या करना चाहिए, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा जी क्यों देना चाहिए, 2 साल से जेल में बंद पड़ा है, जुबान नहीं खोली, इसलिए देना चाहिए। सर कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने बताया दिल्ली में 500 नए स्कूल बना दिए, आपने भी सुना होगा, राजस्थान में हरियाणा में आगे बोलते 500 स्कूल बना दिए, दिल्ली में नहीं बोलते क्योंकि दिल्ली वालों को तो पता ही है क्या बनाया। मैं दिल्ली में पढ़ा बड़ा भाई साहब, मैंने एक दिन पकड़ा उनको, मैंने भाई साहब मुझे 500 स्कूल दिखाओ दिल्ली में, उन्होंने दिखा दिए, साबित कर दिए। नेता वही होता है जो साबित कर देता है। वो एक बिल्डिंग के सामने ले गए, एक बिल्डिंग तो ये है दोस्तों। मैंने कहा जी एक हो गई, 500 बताओ ना। सुबह लड़कियां आती है इसमें, शाम को लड़के पढ़ते हैं, 2 स्कूल ये हो गए। आप किसी भी क्लासरूम में जाओ, कोई बच्चा घर से ये नहीं बोल के आता कि मैं क्लासरूम में जा रहा हूं, क्या बोल के आता है, स्कूल में जा रहा हूं। एक कमरे में 50 स्कूल बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे 20 कमरे हैं, गिन लो कितने हो गए। मैंने कहा जी काफी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका बना दिया दोस्तों। भगवंत मान ने बताया है कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते हैं, तो 2 तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ये सारे ड्रामे हैं। आइए मैं जल्दी जल्दी कुछ राजनेताओं को आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं जिनके लिए मुझे बुलाया है। सबसे पहले किसको बुलाएं? आओ बाबू जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका, हार्दिक स्वागत है जी, कुर्सी दे दीजिए बाबू जी। सबसे पहले भाई साहब किसको बुलाएं आप बताइए। अरे भाई मैं लालू जी से शुरू करने वाला था वैसे भी। देखो सबसे भाई साहब देश के सबसे पॉपुलर नेता है लालू जी, जितना हम कवियों के कलाकारों के काम आए भाई साहब उतना देश के नहीं आए। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने ऐसे बच्चे बैठे थे, छोटे जैसे बच्चा बैठा है, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का खड़ा हुआ एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। अब देश के सभी नेताओं को बुलाऊंगा आपके इस भाषा के अंदर, आपको आनंद आए तो शिवानी जी बताना मुझे तालियों के साथ एक एक। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा कब। नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल, आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था, और कितने अच्छे दिन लोग, और कितने अच्छे दिन लोग। एक और नेता है अभी भी है, नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं,
मैं लाफ्टर शो में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था 2007 में। भाई साहब सिद्धू जी को माइक ले जाकर रखना होता था, हमें माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, हमें जोक सुनाने होते थे, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है बहन जी, एक बार वो बोलना शुरू कर दें या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। बुआ माय डियर फ्रेंड तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। अच्छा कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण भाई साहब 20-20 मिनट तक समझ में नहीं आता, 15-15 मिनट लग जाते हैं, पता नहीं क्या। एक तो थे स्वर के मुलायम सिंह जी, उनका भाषण किसी को समझ में नहीं आता था, पता नहीं क्या बोल दिया। एक ऐसे हमारे राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत जी, भाई साहब उनका समझने में भी 15-20 मिनट लग जाते हैं कि क्या बोल दिया। अभी पत्रकारों ने उनसे पूछा जी राजस्थान में क्या होगा, ये कभी राजस्थान के अंदर ये जो हमारी भाई जो हमें दिल्ली जाके सुने जिसे कहने के जयपुर के अंदर हमारी बात करोगी ना तो हमें उनसे आगे की भी स्टेज हम नहीं जीतेंगे। मैंने थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा अब शायद समझ में आया, दोबारा शुरू हमने जब जाके बात सुने की सचिन पायलट से दिल्ली आने के बाद जयपुर के अंदर जब आके सचिन बोले तो हमने बताया जा रहे हैं। अब समझ गए होंगे आप लोग क्यों आ रहे। अच्छा एक तो मिमिक्री ऐसे सुनाता हूँ जो आपने शायद कभी किसी कलाकार के मुझे ना सुनी हो, जिन्होंने अभी तक भी तालियां नहीं बजाया, मुझे उम्मीद है कि अब उनकी भी तालियां आएंगी। आप सुनना, एक ऐसी आवाज है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, बुलाओ राजनाथ सिंह जी को घासा के अंदर, आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आ गए हैं तो एक भी हाथ खामोश ना रहे, मुझे बताना। राजनाथ सिंह जी देखना सर जब लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं सारे सदन के समक्ष है डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान से बहुत बढ़िया दीपक, पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, बात यदि होगी तो POK पर होगी, कश्मीर पर आज के बाद कभी कोई बात नहीं होगी अध्यक्ष। धन्यवाद। बहुत जल्दी जल्दी मैं सुना रहा हूँ, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, आइए जो लोग अभी भी आ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। एक मिमिक्री आपको सुनाता हूँ जो पूरे देश में किसी ने नहीं की, माँ सरस्वती की कृपा हुई और मुझसे हो गई, वो आवाज कोई नहीं कर रहा सर उनकी मिमिक्री, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की आवाज। अमित शाह जी यदि एक शाम राष्ट्र के नाम इस कार्यक्रम में आते तो देखना कैसा, अभी चुनावों का माहौल भी चल रहा है, हमारा किसी पार्टी से भाई साहब कोई लेना देना नहीं है, अमित शाह जी से हमारा किसी पार्टी से कोई लेना, आपको लगे कि वो बिल्कुल आपके बीच में आ गए हैं तो देखना पहले जब वो वोट मांगते हैं, दूसरा यदि यहाँ पे आके आपको शुभकामनाएं देते तो कैसे देते, और कोई इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी नहीं है, हमें दिल्ली में रोज करते हैं, अमित शाह जी यदि आते तो आपके बीच में देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है, राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ इटालियन। वाह। तो मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन से आपने सुना, धन्यवाद। लेकिन सर नेताओं की मिमिक्री कर रहे हो और उनकी मिमिक्री ना हो, जैसे कोई यज्ञ चलता है ना भाई साहब, यज्ञ में जब तक पूर्ण आहुति ना डालो तो यज्ञ संपन्न नहीं होता, ऐसी नेताओं की मिमिक्री का ये यज्ञ है, मैं बचपन से कर रहा हूँ, जब तक उनकी मिमिक्री ना करो तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। देश के बहुत बड़े नेता हमारे बड़े भाई परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, भाई साहब हंसना नहीं है आपको, ऐसे कॉमेडी में मेरे सीनियर है वो। राहुल जी यदि आते हैं इस कवि सम्मेलन में और वो बताते कि कवि सम्मेलन क्या है और आप समझ जाते तो मुझे बताना, तो जैसी माइक पे देखिए भैया ये जो कविता है, ये जो कवि सम्मेलन है, ये क्या होता है, ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया, मैं बताता हूं। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ, एक किसान आया फार्मर मेरे पास आया और मुझसे बोला राहुल जी ये क्या हुआ, मैंने पूछा व्हाट, बोला बारिश आई
और मेरी फसल नष्ट हो गई, बारिश आई फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया, वो मेरी बात समझ गया और बोला भाई साहब आप जाइए, ये है कविता, ये है पोइट्री, खत्म, टाटा बाय बाय, अब आएगा मजा। और ये मजा मैं सारे देश को दूंगा भैया, टाइम का ध्यान रखूंगा, सबको दूंगा भैया। ये सारी लेकिन एक आवाज है जो इन दिनों पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका भाषण सब लोग सुनते हैं, हम तो मैं आसपास की कंट्रीज में चाइना, ओमान, दुबई, म्यांमार, जहां भी गया मैंने देखा पाकिस्तान के लोग भी आते हैं वहां सुनने सर, और वो भी सुनते हैं। चाइना वालों को अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, सिर्फ चाइनीज में बात करते हैं वो, लेकिन बहनों भाइयों वो भी समझते हैं। ये मोदी जी का इंपैक्ट है। मोदी जी यदि आते आप पे धासा के अंदर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, माइक बहुत अच्छा हो गया सर आपका, कई बार माइक वाले सर गड़बड़ कर देते हैं, मोदी जी की निकालो देवगोड़ा की निकल जाती है, पर यार माइक अच्छा हो गया। मोदी जी यदि आते मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, सुनना भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की वीर भूमि राजस्थान में और राजस्थान के चित्तौड़ में, चित्तौड़ के घासा में यह शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है, एक शाम राष्ट्र के नाम। तो मैं आपको अपनी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और इतना ही कहना चाहता हूं, शानदार कार्यक्रम चल रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। ज्यादा मोटा हो गया है? नहीं उधर नहीं है, इधर है, शिवांगी जी ने बुलाया हमें, और इधर भी क्या है वो हमें पता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पीछे महाकवियों की फोटो भी लगी हुई है सर, ये फोटो लगाने से भी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि आंधी का मौसम है। कल कवि सम्मेलन कर रहे थे वहां नाथ द्वारा के अंदर, इन्होंने हमारे पारिक जी ने नेहरू जी का नाम लिया और मैत्री शरण गुप्त गिर गए नीचे, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है नेताओं के लगभग। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव आ गए, बाबा ने नेताओं को भाई साहब बहुत टेंशन दी, बाबा दिल्ली में मंच बना के सबको योग सिखा रहे थे। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी, किसी ने बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा कपाल भाती कर, पूरा करो योग। तभी बाबा के पास फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपने में समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बोलो सारे नेता सामने बाबा मंच पर। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं कर रहे, पहले चटाई बिछाओ, पूरी बिछाओ, लंबी बिछाओ लंबी, अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करे, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। तब एक नेता खड़े हुए, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा पेट तो कम होगा। बाबा ने रोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाया, एकदम अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा। और अंतिम डेढ़ मिनट दो मिनट मेरे पास बचे हैं, उसमें एक बिल्कुल ताजा मिमिक्री आपको सुना के जाता हूँ। जितने भी लोग सुन रहे हैं खासकर हमारी मातृशक्ति महिला, आपको बहुत आनंद आएगा। एक ऐसी मिमिक्री, एक बाबा हमारा देश में बहुत वायरल हो गए इन दिनों, बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर वाले, आप सब जानते हैं उनको। बाबा जी की मिमिक्री मैंने की, पूरे देश में बहुत पसंद की गई, आपने नहीं सुनी तो और मजा आएगा आपको। बाबा जी को सर पर्चा बना के रख देते हैं, आप सब जानते हो कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, क्या भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। तो मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही थी, सामने से आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, और बाबा ने उनका पर्चा बनाया। अब आप आनंद लेना कि सही आदमी का बाबा ने सही पर्चा बनाया है, तो एक भी हाथ खामोश न रहे, बाबूजी मुझे तालियां से बताना। मुझे बाबा जी की कथा शुरू हुई, देखने उनकी कथा शुरू हुई, जय श्री राम, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए उनकी अर्जी स्वीकार की जाती। सामने से आए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, क्या सवाल मन में लेकर के आए? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा पहले ही, बताओ कौन सा पर्चा खोला? बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते, मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा बताओ कौन सा पर्चा खोले? बाबा ने दो पर्चा बना रखा तुम्हारा, सारा पर्चा बाबा खोलेंगे तुम्हारा नंकटा। बाबा जी मैं देश का पीएम, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे,
अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर एक, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठठरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र? हर हर मोदी घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत जय श्री राम, फिर कभी आएंगे तो और लंबा सुनाएंगे समय की सीमा।